हाय सतीश सर, आज मैं क्लास सेवन हिंदी व्याकरण वर्ग विचार लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार, तो वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है? तो वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि क्या है, हमारे चारों तरफ बहुत सी ध्वनि, बहुत सी आवाज आती है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। तो हमारे चारों तरफ से बहुत तरह की आवाजें आती है, लेकिन इसमें क्या, बस की आवाज है, मोटर कार, पशुओं की आवाज, पशु का जो आवाज निकलता है, हिनहिनाना, घोड़े की आवाज है। तो इन सब की जो आवाजें हैं, जो ध्वनियां है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जब कुछ बोलते हैं, उससे जो आवाज़ निकलती है, उसका जो ध्वनि है, उसका कोई अर्थ होता है। तो हम लोग वर्ण देखिए कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आ, कहलन, चहलन, पहलन, डहलन, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें जोड़कर सब बनाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जानते हैं, जब हम किसी जीव वर्ण का उच्चारण करते समय, यानी वर्ण जब हम मुंह से उच्चारण करते हैं, तो मुख से क्या निकलती है, हवा। तो किसी जब हम किसी कहता है जीव वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना टकराए, बिना रुके बाहर निकल जाती है, वह स्वर वर्ण कहलाती है। और स्वर वर्ण की संख्या 11 है, आ से औ तक, ठीक है। तो अ आ ह्रस्व इ दीर्घ इ ह्रस्व उ दीर्घ उ ऋ ए ऐ ओ औ, इस प्रकार स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अंग और अह, अंग अनुस्वार अपसर्ग अह, ये दोनों अयोगवा हैं। तो अयोगवा हैं, क्यों अयोगवा हैं, क्योंकि ये स्वर के बाद उच्चारित होते हैं। अह विसर्ग, अह विसर्ग का उच्चारण ह लं के समान होता है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं व्यंजन स्वर वर्ण क्या, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्ण हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण से पहले हम लोग देखते हैं मात्रा। तो मात्रा, इसमें मात्रा भी होता है कि स्वरों के विभिन्न चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर इसका स्वरूप बदल लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अ, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ, जैसे आ, आ का भी मात्रा एक, ये देखिए ये पाई, ये इसी तरह आकार की मात्रा है। किसी जैसे क में आकार की मात्रा लगाते हैं, क जोड़ आ बराबर क्या होता है, का। तो ये आकार की मात्रा है। अगर क में अगर क जोड़ ह्रस्वई तो होता है कि, क जोड़ दीर्घ ई बराबर क दीर्घ ई, इस प्रकार ये मात्रा है। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण हो गया, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण में क्या होता है, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण
स्वर वर्ण के भी बताए गए हैं। अब हम लोग स्वर के तीन देखते हैं। व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले हम लोग स्वर के तीन भेद देखते हैं। स्वर के तीन भेद, पहला है ह्रस्व। क्या ह्रस्व स्वर? ह्रस्व स्वर। और दूसरा है ह्रस्व क्या? दीर्घ स्वर। और तीसरा है पल्लुत। क्या है? पल्लुत स्वर। इस प्रकार यहां तीन प्रकार के स्वर बताए गए हैं। तो पहला देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें बताया गया है स्वर वर्ण चार, जैसे अ, ह्रस्वई, ह्रस्व और री। हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल सात होते हैं। आ ह्रस्वई, ह्रस्व क्या इसमें बताया गया? आ दीर्घई, दीर्घउ, ए इस तथा ओ तथा अ। इस प्रकार ये सात वर्ण हैं। अब हम देखते हैं पल्लुत वर्ण। पल्लुत स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता हो वह पल्लुत स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे चिन्ह इसका होता है, पल्लुत का चिन्ह होता है ये तीन के आकार का होता है। तीन जैसे इससे बनता है, सब बनता है ओ, लेकिन ये इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसका प्रयोग प्रायः कम ही होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन में व्यंजन वर्ग, व्यंजन में व्यंजन में बताया गया है कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के चार भेद, ठीक है? व्यंजन के चार भेद। जैसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? यह कथा स्पर्श व्यंजन में जीवा के विभिन्न स्थानों को छूती है। कहता है इस व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। क हलंत से हम लोग लेते हैं म हलंत तक। कहता है ये 25 व्यंजन हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को क वर्ग से पवर्ग तक पांच वर्गों में बांटा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है मध्य में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती सा लगता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात इसके उच्चारण में जीव किसी विशेष स्थान को नहीं छूती, किसी विशेष स्थान को नहीं छूती है। य, र, ल और क, ब। तो अब हम देखते हैं अस्वस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हम देखते हैं उष्ण व्यंजन। ये है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण में सांस तेजी से बाहर निकलती है वह उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे ये चार हैं तालवर्ष, मूर्धन्य दंस और हम। अब हम लास्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कहता है दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने
व्यंजनों को संयुक्ताक्षर अथवा संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलन जोड़ मूर्धन्य स, क हलन जोड़ मूर्धन्य स बराबर होता है अक्षर। पहला हो गया त हलन जोड़ र बराबर क्या होता है र। इस प्रकार बताया गया कि शब्द बनाएंगे ज्ञान विज्ञान। इसके पहले त हलंत जोड़ र, त्र त्र से पत्र चरित्र, स तल स हलंत जोड़ र, स्र स्र से क्या होता है श्रमिक श्रवण। इस प्रकार अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आयोग हुआ, अभी हम लोग देख रहे थे आयोग हुआ जैसे आयोग हुआ में बताया गया था और अनुस्वार अभिसर्ग। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं आयोग हुआ में अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग क्या अनुस्वार। दूसरा है अनुस्वार के बाद अनुनासिक, और तीसरा बताया गया था इसमें विसर्ग। तो इन तीनों का हम देखते हैं। तो पहला है अनुस्वार, तो अनुस्वार क्या आता है इसके उच्चारण में वायु मुख और नासिका, वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह अं, ठीक है, यहां जो दिया हुआ है, और ये पहला अनुनासिक क्या है, ये अनुस्वार का ये अनुनासिक। अनुनासिक में जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह इससे क्या चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं चांदी ज्वारा चंद्र बिंदु दी चांदी है ना, इसमें क्या सा स्वाकार चंद्र बिंदु मान। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। अब यह था अनुनासिक का अनुस्वार में, ये अनुनासिक का था। अब हम लोग देखते हैं अनुस्वार का, अनुस्वार का क्या होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है और अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है। अनुनासिक का यह उच्चारण बताया गया है कि वायु मुख और नासिका से निकलती है और इसका चिन्ह यह होता है। अब हम देखते हैं अनुस्वार, अनुस्वार में उच्च का उच्चारण जो होता है वह नासिका से होता है। यह व्यंजनों के पांचों वर्गों के अंतिम वर्णों के साथ स्थान पर आता है। जैसे इसमें बताया गया है कंचन पहला शब्द हो गया, दूसरा बताया गया है बंदर अंगूर लंगूर, इस प्रकार। अब हम लोग देखते हैं विसर्ग, विसर्ग में क्या होता है। बताया गया है कि विसर्ग जैसे अ विसर्ग, ठीक है, को संयुक्त ध्वनिया माना गया है या माना जाता है। जैसे अतः अ तो विसर्ग त, अतः प्रातः नमः संभवतः फलतः विसर्ग तः फलतः। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विसर्ग का उच्चारण ह हलंत के समान होता है। ये हो गया। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं आगे।
के लिए अंग्रेजी के आ यहाँ पर और आगा अर्धचंद्रकार, यहाँ इसमें अनुस्वार में सिर्फ अर्धचंद्रकार होता है, उसका आ को भी आगत स्वर के रूप में लिया गया है। जैसे जैसे क्या होता है डॉक्टर का, यहाँ देखिए पूरा चंद्र में तो नहीं है, डॉक्टर कॉपी कॉलेज, इस प्रकार का उच्चारण किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार जो है इसका वर्ण विच्छेद होता है, हम लोग वर्ण विच्छेद पूछ लेते हैं। तो वर्ण विच्छेद में जैसे कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे कमल मान लिया जाए, कमल हो गया, कमल में क्या होता है इसका क का हलन जोड़ अ, तो ये हो गया क, ये हो गया क। अब देखिए म हलन जोड़ अ म क म, अब हम लोग लेते हैं ल हलन जोड़ अ ल, हो गया कमल। गाजर, गाजर में ग आकर ग, ग हलन जोड़ आ गा, ज ज हलन जोड़ अ ज, र आकर र हलन जोड़ अ, इस प्रकार ये हो गया गाजर। अब इस तरह से हम लोग अन्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग वर्ण विचार में हम लोग देख लिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क ख ग घ ङ, ठीक है, यानी क के बाद ग देते हैं, क के बाद ख देते हैं, ये वर्णमाला नहीं हुआ, ठीक है। क से ङ तक क ख ग घ ङ, ये वर्णमाला हुआ, न कि क के बाद घ ग, ये वर्णमाला नहीं हुआ, हम लोग इस पाठ में देख लिए। जिन वर्णों का उच्चारण, इसमें बताया गया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वे स्वर कहलाते हैं, उसमें किसी अन्य वर्ण का स्वर की सहायता नहीं लेते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क में अ भी आता है तो वह स्वर हो गया, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इस प्रकार आप देखिए कि वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं, ठीक है। और किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम लोग ये देख चुके हैं, अब आगे लेसन 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।